अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उस्मान गोट्स फार्म में आप लोगों का स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आए हुए सलीम भाई के साथ कारवा फीड्स पे, जो कि शोलापुर में मशहूर दुकान है, जो कि बकरों के फीड्स में दोस्तों। सो हम पूरी मुलाकात करेंगे इस दुकान के ओनर से और आपको पूरी डिटेल्स देंगे। सो अस्सलामुअलैकुम सलीम भाई। सलीम भाई, आज कहाँ पर आए हुए अपन? जी, करना लेने आए हैं। तो ये दुकान का नाम क्या बोले सर? कुसाराम रामेश्वर कारवा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फीड्स मिलता है एनिमल के लिए? मेरे पास सब एनिमल के फीड्स मिलता है। हाँ, बकरे के लिए चने का काना मिलता है जी, अपूर्ण मक्का मिलता है, गेहूँ का भूसा मिलता है, हाँ, शेंगा की खली मिलती है। ये अपना प्रॉपर ये कहाँ पे है ये लोकेटेड, मतलब कि कहाँ पे ये लोकेशन? अपना जो है ना कुंभारी बेस में बोराम स्टॉप होते हैं। हाँ, अपने नाले के ऊपर अपना खुद का दुकान है। तो अगर स्टॉक भी आपके पास काफ़ी सारा है और आपका पीछे भी गोडवान है, सो अगर यहाँ से कोई आपको मांगता है ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर कोई बड़ा फार्म वाला अगर आपसे कांटेक्ट करता है 2 टन चाहिए 4 टन चाहिए, तो आप ट्रांसपोर्ट कर देंगे यहाँ से? पूरा कर दूंगा, है ना। 50 टन मांगो 50 टन आपको मिल जाएगा, है ना। जो भी ट्रांसपोर्ट का रहेगा वो पार्टी को चार्ज देना पड़ेगा, है ना। तो एक दो फीड्स दिखाओ आप, कौन सा है क्या है। चने का कन्ना, इसको चुन्नी भी बोलते हैं। हाँ, और ये चने की ओरिजिनल चुन्नी है। ओरिजिनल चुन्नी। हाँ, इसका क्या रीज़न है खिलाने का, मतलब सलीम भाई आप भी ये लेते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है इससे? डाइजेस्ट भी फास्ट होता है और वेट गेनिंग में भी है, फायदेमंद है। वेट गेनिंग में भी ये फायदेमंद है ना, तो आप भी यही से लेते हैं, है ना? यही से लेते हैं। तो क्या किलो पड़ता है अपने को? ये 25 रुपये किलो बढ़ता है। हाँ, तो ये ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि और भी रेट कम होता है, जैसा सीजन रहता है वो हिसाब से मार्केट चलता है, वो हिसाब से बता रहे थे। तो वेट गेनिंग के लिए बेस्ट चीज़ है ना, ये बिगा के देना पड़ता है। फायदेमंद है। और इसके अलावा हमारे पास मक्का भी मिलता है। मक्का अक्का मक्का। अक्का मक्का। हाँ, सर ये कैसे किलो पे मिलता है? 2200 रुपये क्विंटल का भाव है। 2200 रुपये क्विंटल, मतलब कैसे किलो पड़ा है? 2200 रुपये किलो। अक्का मक्का फुल दोस्तों, फुल क्वालिटी में मक्का है, आप देख सकते हैं, फ्रेश माल है। जो भी है आपके पास जी, जौ का क्या रेट है? इसे ताकत बढ़ती है इससे। हाँ, ये खिलाने से बकरे को ताकत बढ़ती है, हड्डियाँ बिड़िया सब मजबूत होती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और ये कैसे किलो पे अपने पास? इसका आज अभी भाव है 36 रुपये किलो। 36 रुपये किलो? हो 26 या 36? 36 रुपये किलो। सो दोस्तों, इनके पास फ्रेश मक्का भी है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं, फ्रेश क्वालिटी में है। और ये पतला खली आता है, पतला खली सेंगदाने का। ये कैसा है सर? इसका भाव है 55 रुपये किलो। 55 रुपये। और ये यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि मैं दाल का टुकड़ा, चना, खास हमारे पास बकरी के लिए बहुत अच्छा वैरायटी रखते हैं माल हम जी। तो ये कैसा किलो पे है सर? वो 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। हाँ ठीक है सर, अगर कोई अपने चैनल के थ्रू आता है तो उसको ऑफर में भी मिलेगा, है ना? देंगे। हमारा कहना ये की है कि थोड़ा खिलाओ लेकिन अच्छा खिलाओ, प्योर। हाँ, प्योर खिलाओ, बस सही है सर। अभी आपने बता दिया, अभी गेहूँ का भूसा भी है अपने पास। ये क्या किलो पे है? ये गेहूँ भूसा 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। हो ठीक है सर, अपने पास चना टर्पल है या नहीं? है ना, चने का टर्पल भी है ना। ये चने का टर्पल कैसे कीजिए? 550 रुपये में थैला आता है। 550 रुपये में कितने किलो का आता है? 25 किलो का थैला आता है। ठीक है सर। सर अभी ये जो आपकी गाड़ी भर रही है, ये कहाँ पे जा रही है? ये यहाँ नजीक में फार्म हाउस में जा रही है। फार्म हाउस में जा रही है, मतलब आप बड़े बड़े फार्म वाले को भी माल देते हैं? सबको माल देते हैं जी। अगर कोई आपसे अच्छी क्वांटिटी में माल लेगा तो उसको आप डिस्काउंट में दे देंगे, है ना? जरूर देंगे। ठीक है सर। और इसके अलावा शोलापुर में हरी पत्ती के भी एक दो लोग काम कर रहे हैं अपने, है एक जगह, तो हरी पत्ती आप नहीं रखते? क्यों हरी पत्ती क्यों नहीं रखते सर? वो फील्ड में नहीं है। हाँ, आगे रखेंगे तो जरूर रखेंगे उसी साथ। ठीक है सर। सो दोस्तों, इनके पास क्वांटिटी में माल है। और सर आपका बाजू में भी गोडाउन में भी है ना स्टॉक? बहुत माल। ठीक है
सर एक बार अपना लोकेशन बताओ और आपका नंबर बताओ, वीडियो को एंड कर देंगे। हाँ, लोकेशन है तुषाराम रामेश्वर करवा, हाँ, 6 कुंभारी शॉपिंग सेंटर जी, कुंभारी बेस। सर एक बार आप अपना नंबर बताओ। 9421061615705705705705। ठीक है, अनिल करवा। ठीक है सर, मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और दोस्तों ये था अपना फीड्स का वीडियो अपने चैनल पे, तो अभी तक का फीड्स का वीडियो नहीं आया था। अपने हरी पत्ती का वीडियो डाला था अपने एक दोस्त का, तो उसी के साथ ये अपन फीड्स का वीडियो बनाए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।